जैसा कि हम जानते हैं, ट्रैक्टर के टायर ट्रैक्टर की ओवरऑल परफॉर्मेंस को प्रभावित करते हैं। अगर आपके ट्रैक्टर में ट्रैक्टर के टायर ट्रैक्टर के हिसाब से और आपके काम के हिसाब से सिलेक्ट किए गए हैं तो 100% आपको परफॉर्मेंस ही अच्छी मिलेगी। आपका काम अच्छा होगा यानी कि आपको प्रोडक्टिविटी अच्छी मिलेगी। ट्रैक्शन अच्छा मिलने से स्लिपेज कम होता है, इंजन पर लोड कम आता है, जिससे कि आपके ईंधन की बचत होती है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ट्रैक्टर के टायर आपके ट्रैक्टर में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे ट्रैक्टर के टायर के बारे में विस्तृत रूप से। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जब हम ट्रैक्टर के टायर को सामने से देखते हैं तो वहां हमें कुछ नंबर्स दिखाई देते हैं जो कि वो उसके स्पेसिफिकेशंस को दर्शाता है। आप यहाँ देख रहे होंगे 14.928, तो 14.9 इंच जो कि टायर के विड्थ को दर्शाता है और 28 इंच जो कि टायर के रिम का साइज है। और इसके साथ साथ यहाँ पर प्लाई रेटिंग भी दी जाती है, जैसे कि 8 ply, 12 ply, जो कि टायर के स्ट्रेंथ को दर्शाती है। तो दोस्तों, ट्रैक्टर में सामान्यतः दो टाइप के टायर का उपयोग किया जाता है। एक होता है नायलॉन या बायस या क्रॉस प्लाई भी कहा जाता है, और दूसरा होता है रेडियल। अगर क्रॉस प्लाई टायर की बात की जाए तो उसकी बनावट दोनों साइड से, मतलब साइड वॉल और सामने से, सख्त होती है। वही रेडियल टायर की बात की जाए तो उसकी साइड वॉल लचीली होती है। उसमें रबर और स्टील का इस्तेमाल होता है जिसकी वजह से उसकी साइड वॉल लचीली होती है और जमीन के साथ ग्रिप और ज्यादा बनती है। एक और ऑप्शन मिलता है, वो होता है HLD टायर का, जिन्हें हाई लग डेप्थ टायर भी कहा जाता है। जब हम पडलिंग करते हैं तब हमें ज्यादा ट्रैक्शन की जरूरत पड़ती है, उस स्थिति में HLD टायर का इस्तेमाल करना अच्छा रहता है। HLD टायर में जो लग्स होते हैं वो नॉर्मल टायर के लग से बड़े होते हैं, जिसकी वजह से आपको पडलिंग में ग्रिप मिलती है और ट्रैक्टर धंसता नहीं है, और साथ ही साथ आपको प्रोडक्टिविटी अच्छी मिलती है। पडलिंग में HLD टायर होने की वजह से दोनों लग के बीच कीचड़ फंसता नहीं है और आपका काम जल्दी और आसानी से होता है। अब बात करते हैं ट्रैक्टर के टायर के करेक्ट साइज की। अगर आपके ट्रैक्टर के टायर की साइज करेक्ट नहीं होगी तो RPM ड्रॉप होगा, व्हील स्लिपेज बढ़ेगा, इंजन की पूरी पावर यूज नहीं होगी और आपके ईंधन की खपत भी ज्यादा होगी। जब भी आपको आपके काम के हिसाब से ट्रैक्टर के टायर का साइज अगर बड़ा या छोटा करना हो तो अपनी नजदीकी डीलरशिप से संपर्क करें। एक और ध्यान रखने वाली बात, 4-wheel drive ट्रैक्टर में जब भी आप ट्रैक्टर के टायर चेंज करें तो अगले और पिछले का जो मैच है वो मैन्युफैक्चरर के हिसाब से करें, नहीं तो हमेशा टायर घिसने की समस्या आएगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में ट्रैक्टर के टायर के बारे में जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें जरूर बताएं।